गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग? लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या अपन देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में क्या है, एक एडवांस फीचर है। क्या है? एक एडवांस फीचर है, जब फंक्शन नेम सेम होगा। फंक्शन नेम कैसा होगा? सेम होगा। और फंक्शन के नेम कैसा होगा? सेम होगा, बट आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, पैरामीटर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी सी प्लस प्लस का ये एक एडवांस फीचर है जिसमें फंक्शन नेम सेम रहेगा। एक फंक्शन, यानी एक फंक्शन बना दिया अपने, नाम सेम रहेगा और उनके पैरामीटर जब अलग अलग होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने, और इसको जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कैसा है? कंपाइल टाइम। देखिए, हमने आपको फीचर्स बताए थे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। इस टाइप का कंपाइलर सब समय पर, यानी कंपाइलर के समय आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फंक्शन हमने बनाया यहाँ पर सम, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास की, इंट वन इंट टू। वैसे हमने सम नम थ्री, नम वन नम टू और नम थ्री सम, फिर हमने एक इंटीजर कर दिया, एक डबल कर दिया। तो देखिए तीनों एक चीज कॉमन है, तीनों के फंक्शन नेम कैसे सेम। क्लियर? अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग कुछ एडवांटेज क्या होते हैं। एलिमिनेटिंग, यानी एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शन नेम सेम ऑपरेशंस। यानी सेम ऑपरेशंस के लिए आप मल्टीपल फंक्शंस नाम रखने की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? एक। ये इसका फायदा है कि हमें पीस नाम याद रखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कितने फंक्शन याद करना, एक फंक्शन याद करना और उसी से हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते। दूसरा हमारे पास हेल्प टू अंडरस्टैंड डेबग एंड इजली। यानी हम जो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग वाले दो आर्ग्यूमेंट वाले में कोई एरर आई है तो अपन पूरे प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे जिसमें हमने दो आर्गुमेंट पास किए, इसको चेंज करेंगे। अगर थ्री आर्गुमेंट वाले में कोई प्रॉब्लम आई तो थ्री आर्गुमेंट वाले को हम चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होता है, एरर को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इजली मेंटेनेंस कोड। यानी कोड को आप इजली इसका क्या कर सकते हो? मेंटेनेंस कर सकते हो। क्लियर? यानी इजीली कोड का क्या कर सकते हो? आप मेंटेनेंस कर सकते हो। और इसका फायदा क्या है कि आप एक ही फंक्शन से डिफरेंट काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिफरेंट काम कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम प्रोग्राम आपको यहाँ पे बना के टाइम बताते हैं कि एक हमने कोई प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में शेयर करा देते हैं स्क्रीन को। अब अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अपन एक ही फंक्शन में तीन अलग अलग टाइप की पैरामीटर्स अपन यहाँ पे बनाएंगे और उसको किससे करेंगे? अपन फंक्शन ओवरलोडिंग से। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम Using सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं हो रही बेटा, सर करी तो है मैंने। अब देखो हो रही है? हाँ आप आ गया। ठीक, std clear। उसके बाद अब अपन ने यहाँ पे किया फंक्शंस बना लिए, एक बनाया void swap और इसमें जो हमने argument पास किए integer, एक हमें पास कर int, a और int e। एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन बना void swap, swap इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दी float x float y। ठीक, एक फंक्शन हमने बनाया void, एक फंक्शन में बनाया void swap, इसके अंदर पास कर दिया char, क्या पास कर दिया? char। ठीक है, स्क्रीन दिख रही ना? char x comma char y, ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिए। फंक्शंस हमने तीन फंक्शंस बना दिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं, इन फंक्शंस की डेफिनेशन देते हैं। इन फंक्शन क्या देते हैं? डेफिनेशन। तो इंट मेन पहले वैल्यू पुट कराना पड़ेगा अपन, इंट मेन, इंट मेन। यहाँ पे वेरिएबल बनाए इंट
कॉमन बी, फिर अपन ने बना लिया फ्लोट 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 एक्स कॉमन वाई, फिर अपन ने बना लिया कैर यहाँ पे बना लिया हमने, मान लो सपोज दे दिए सी एक्स और वाई सी वाई। अब यूजर से वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं यूजर से वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। सी आउट एंटर द इंटीजर वैल्यू। सुदक्ष नहीं जुड़ा है क्या? सुदक्ष सुदक्ष नहीं है क्या? नहीं सर। विकास, दो स्टूडेंट है कोई जुड़ा, एक ये अभय और ये कौन है बीबू, इसका नाम है ये रिमूव कर देता हूं उसको मैं, बीबू नहीं नाम बता अपना। इसके बाद अपने यहां पे किया ए, इसी तरह सी आउट एंटर द फ्लोट वैल्यू। सी इन एक्स सी आउट एंटर द कैर वैल्यू, सी इन सी इन सी एक्स सी वाई। अब ये सारे फंक्शंस कॉल कर लेंगे अपन, स्वैप इसके अंदर पास कर दिया ए कॉमा बी पहला, दूसरा हमारे पास स्वैप इसके अंदर पास कर दिया हमने एक्स कॉमा वाई, तीसरा फंक्शन लिया स्वैप इसमें पास है सी एक्स कॉमा सी वाई रिटर्न अगर रिटर्न जीरो। अब यहाँ एक एक फंक्शन के अपन क्या देते हैं डेफिनेशन देते हैं, तो एक एक फंक्शन void इस नाम से swap int a comma int b। माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन है। float एक अपन का int temp equal to a equal to b equal to b और b equal to temp see out print a value print b value and then ठीक है। इसी तरह इसको इसी तरह हम सारे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे क्या कर देंगे फ्लोट एक्स फ्लोट बाई, ठीक है फ्लोट यहाँ पे पता भी लग जाए इसलिए यहाँ पे देखते हैं इंट फ्लोट इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू
प्रिंट करा लिया एक्स, एक्स को प्रिंट करा लिया, यहाँ पर हमने प्रिंट है वाई, वाई को प्रिंट करा लिया। ठीक है, दो फंक्शन हो गए, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कर दिया क्या प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गए, यहाँ से प्रोग्राम को रन करते हैं। स्क्रीन दिख रही बेटा? अब है? यस सर, यस सर। अभी देखिए वैल्यू डाली हमने यहाँ पे 12, फिर हमने फ्लोट वैल्यू डाली 3.7, फिर हमने डाल दी यहाँ पे 8.0, 9.0, फिर अपन ने ए डाल दिया, टू बी डाल दिया। ये देखो चेंज होके आ गया सभी वैल्यू, देखो हो गया ना चेंज। तो देखिए फंक्शन नेम एक है और सारे फंक्शन से हमने अलग अलग काम करवाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी एक ही फंक्शन नेम रखा और मल्टीपल वैल्यू अलग अलग तरीके से हमने पास कर दी, जबकि आपको एडवांटेज सी में नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया? फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आ गया? अब यस सर, तो ये कर लोगे ना फंक्शन ओवरलोडिंग? यस सर, यस सर। अब देखिए एक एक एग्जांपल और फंक्शन ओवरलोडिंग बनाते हैं। एक जैसे अपन एक स्क्वायर नाम का फंक्शन रखते हैं, किस नाम से? स्क्वायर नाम से। ठीक है, एक और बनाते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अपन एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाते हैं, अगर इंटीजर पास कर दे तो इंटीजर का स्क्वायर दे दे, फ्लोट पास कर दे तो फ्लोट का स्क्वायर दे दे। अपन को स्क्वायर के लिए बनाना है, ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद अपन यहां पर दिया इंट मैन, इंट मैन इंट। अब यहां पर अपन एक फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया यहां पर? फंक्शन। अपन दो फंक्शन बनाए हैं, तीन, अगर अपन इंट यहां पास करते क्या स्क्वायर और इसमें पास कर देते इंट, क्लियर, एक हो गया। इसी तरह हमने पास किया फ्लोट स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद इसमें पास कर दिया हमने फ्लोट, क्या पास कर दिया? एक हो गया। एक हमने बना डबल ले। अब अपन क्या करते हैं, इस मेन फंक्शंस के अंदर आए, तीन वेरिएबल्स अपन बना लेते हैं, क्या दो दो वेरिएबल्स, ठीक, स्क्वायर के लिए और तीन, तो हमने एक लिया इंट एक्स और एक ले लिया एस एक्स रिजल्ट के लिए, फिर हमने एक लिया इंट सॉरी फ्लोट फ्लोट वाई और एक ले लिया एस वाई, फिर हमने लिया डबल, हमने लिया यहाँ पे क्या जेड और एक ले लिया एस जेड, सी आउट एंटर द इंटीजर इंट वैल्यू कौन सी वाली इंट वैल्यू, ठीक है, सी इन एक्स को इंटर करा दिया, सी आउट एंटर द फ्लोट वैल्यू कौन सी वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, सी इन
सी आउट, यहाँ पे फ्लोट की जगह पे कर दिया अपन ने क्या, इंटर द डबल सी एन, यहाँ पे कर दिया अपन ने जेड। अब यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे तो एस एक्स इक्वल टू फंक्शन में स्क्वायर, और इसमें कौन सी वैल्यू पास कर देंगे एक्स, फिर अपन ने पास किया एस वाई इक्वल टू स्क्वायर, इसके अंदर पास कर देंगे अपन वाई, फ्लोट का दे देगा, फिर अपन ने कर दिया जेड एस जेड इक्वल टू स्क्वायर, इसके अंदर पास कर दिया जेड, यहां पे प्रिंट करा लिया तीनों को सी आउट, दे दिया अपन ने इंटीगर स्क्वायर प्रिंट कराने के इसको एस एक्स सी आउट, उसके बाद अपन प्रिंट करा ले फ्लोट, स्क्वायर, और यहां पे दे दिया हमने एस वाई एंडल सी आउट डबल स्क्वायर, डबल हमने दे दिया किस में इनपुट करा रहे हैं एस जेड में, ठीक है। यहां से क्या रिटर्न सेव प्रोग्राम किधर, अपने यहां पे इंट स्क्वायर पास कर दिया एक्स, क्या पास कर दिया एक्स, एक्स का स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या लगेगा रिटर्न, क्या यूज करेंगे रिटर्न एक्स इंटू इसी तरह पर किसकी डेफिनेशन देंगे फ्लोट की, यहां पे कर दिया हमने क्या फ्लोट, और यहां पे भी कर दिया हमने फ्लोट, यहां पे कर दिया हमने डबल, यहाँ पे भी हमने कर दिया क्या कर दिया हमने। अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, अगेन इसको कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया क्लियर। अब इसको हम रन कराते हैं, जैसे हमने इंटीगर 12 डाली, फ्लोट वैल्यू डाली 12.9, इसकी वैल्यू डाली 34.897, देखिए सभी के स्क्वायर हमको क्लियर। तो इस टाइप से दिखा इसकी अब है यस सर, इसकी दिखाई ना यस सर, यस सर। तो ये हमारा ये जो टॉपिक था इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में अगर एक ही नाम से फंक्शन यूज करते हैं और उनके पैरामीटर अलग अलग यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, क्या कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग का, यस सर हो गया। और ले लूं आज एक टॉपिक, हाँ सर थोड़ा वो दे दिया अगर एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज के दे तो दिया आपने एक प्रोग्राम बनाने से आप लोग, ठीक है एक्सरसाइज दे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है ओके ओके कल से मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है उसको समझा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक डेटा मेंबर, नेक्स्ट हमारा है देखिए क्लास के अंदर हमने एक कीवर्ड बताते थे स्टैटिक कीवर्ड, अगर आपने सी में पढ़ा स्टैटिक कीवर्ड, सी में अब स्टैटिक
यस सर, पढ़ा तो याद नहीं है लेकिन क्या इसको था। अपन अपन इनको क्लास स्पेसिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास स्पेसिफायर। ठीक है, तो स्टैटिक जो डेटा मेंबर है इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये प्रोग्राम के ड्यूरेशन यानी रन टाइम पर सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। बाय डिफॉल्ट अगर इसकी कोई वैल्यू ना हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो और पूरे क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए स्टैटिक डेटा मेंबर आपका क्या होगा? कॉमन होगा, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। स्टैटिक डेटा मेंबर आपका कैसा होगा? कॉमन डेटा टाइप होगा। कैसा होगा? कॉमन। यानी अगर कहीं पर भी आपको और पूरी क्लास से आप उस वेरिएबल को अगर शेयर कराना चाहते हो तो वहां पे आप उसको क्या बनाएंगे? स्टैटिक, यानी पूरी क्लास के लिए वो शेयरेबल होगा। यानी अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करानी है पूरी क्लास को तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर। किसका यूज करते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर। अब स्टैटिक डेटा मेंबर देखिए प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और फिर कल इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो अपन चलते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, अब स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करते कैसे देखिए। एक सिंपल सा हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्लास के मेंबर काउंट करना, कि क्लास के ऑब्जेक्ट काउंट करना, तो कैसे बनाओगे? क्लास का नाम दीजिए, जैसे डेमो। क्या नाम दीजिए? डेमो। प्राइवेट, क्लियर। इंट, अब यहाँ पर किससे डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक। किससे? स्टैटिक इंट काउंट। पब्लिक, क्या पब्लिक? यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डेमो और यहाँ पे कर दिया काउंट। क्या कर दिया? प्लस प्लस। काउंट को क्या कर दिया? प्लस प्लस। उसके बाद वॉइड शो सी आउट वैल्यू इज काउंट, यहाँ पर डाल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या डाल? नंबर ऑफ चाहे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो दे दे, अगर नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये हमने दे दिया। उसके बाद इंट मैन, इसको बिफोर मैन आपको इनिशियलाइज करना ही करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे दिया क्लास डेमो है, डेमो का आपने ऑब्जेक्ट बनाया डी वन। ठीक है, और आपने यहाँ किया डी डॉट शो रिटर्न जीरो। तो आप इस बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? इसका रिजल्ट आएगा वन। कितना आएगा? वन। क्योंकि तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कॉल बनाया, डिफाइन किया, वैसे ये कॉल होगा तो इसकी वैल्यू जीरो से वन से जीरो से कितनी हो जाएगी? वन। देखिए रन करिए कंपाइल और यहां से वन कितनी आ रही? वन। अगर हमने यहाँ पे और डिक्लेयर कर दिए, जैसे हमने डिक्लेयर किया डी कॉमा डी वन कॉमा डी टू कॉमा डी थ्री डी थ्री कॉमा डी फोर, अब कितनी वैल्यू होगी इसकी? एक बार, दो बार, तीन और चार, और हम प्रिंट डी को ही कराएंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमको? कितनी मिलेगी? फोर। क्योंकि सबके लिए कैसे, सबके लिए वैल्यू कैसी होती है? कॉमन। कितना आ गया हमारे पास? कॉमन। तो कहीं पे अगर आपको सारे मेंबर्स को कोई डेटा शेयर कराना हो तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर का। स्टैटिक डेटा मेंबर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और अपने प्रोग्राम ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। कितनी बार इनिशियलाइज होता है? सिर्फ वन बार। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इस पे अपन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे आप, कोई दिक्कत आए बताइएगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू।